क्या आप भी अपने सिंगल डिवाइस के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं। आप लोगों ने यार सुना होगा कि फेसबुक या फिर आप फाइवर की बात कर लो या गूगल एडसेंस की बात कर लो, तो आपको अगर उनके मल्टीपल अकाउंट्स को एक ही डिवाइस में यूज़ करना हो तो यार मसला बनता है। ठीक है, अब एडसेंस या फाइवर के बारे में तो हमें पता है कि वो आपके अकाउंट्स को ही बंद कर देते हैं अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स को सिंपली सेम डिवाइस के ऊपर यूज़ करते हो। सो मेरे पास इस प्रॉब्लम का आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है। सो डैट सोल्यूशन इज़ ऑक्टो ब्राउज़र। अब ऑक्टो ब्राउज़र बेसिकली एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है जो कि आपको एनेबल करता है कि आप अपने सिंगल डिवाइस के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकें, चाहे वो किसी भी चीज़ का अकाउंट है, आप जस्ट उसका अकाउंट क्रिएट करें। ये ना सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस देता है बल्कि आपकी लोकेशन को भी चेंज कर देता है। ठीक है, सो डैट मीन्स कि आप एक कम्प्लीटली न्यू यूज़र होते हो उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस वेबसाइट के लिए जहाँ पर आप अपनी किसी भी अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। सही है, सो ऑक्टो ब्राउज़र से पहले मैं और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स के रिव्यूज़ कर चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन इसमें और उनमें क्या फ़र्क है यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑक्टो ब्राउज़र मेरे ख्याल से उन सब में से टॉप मोस्ट लेवल पे है, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्केल किया है। इन्होंने ये प्रूव किया है कि एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र जो है वो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि उसमें स्केलेबिलिटी को इन्होंने ले आए हैं। यानी कि अब आप किसी बड़ी अगर कंपनी के मालिक हो या फिर अगर आपको थोड़ा बड़े लेवल पे इसको यूज़ करना है, कोई बड़े लेवल पे आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, तो ये आपको इनेबल करता है कि आप वो सब कुछ भी कर सकते हैं, हायर स्केल के ऊपर भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो ऑक्टो ब्राउज़र कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके के साथ यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, आपको सबसे पहले ऑक्टो ब्राउज़र लिख लेना है गूगल के ऊपर और सबसे पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी वेबसाइट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है, और यहाँ पर मल्टी काउंटिंग की बात की गई है, और उसके बाद एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है जो कि हर चीज़ को चला लेता है। ठीक है, और आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है, और साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप करना है, अपना ईमेल देना है और पासवर्ड देना है, अगर टेलीग्राम है तो वो दे देना है, नहीं है तो नहीं। ओके, सो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो, डाउनलोड ऑक्टो ब्राउज़र के ऊपर जाके आप यहाँ से विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और उसके बाद लिनक्स के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और मैंने यहाँ पर साइन इन भी कर लिया है, और अब मेरे पास यहाँ पर प्रोफाइल्स का सेक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर आप जितनी चाहो डिवाइस क्रिएट कर सकते हो और प्रोफाइल्स को बना सकते हो। ठीक है, सो प्रोफाइल को कैसे बनाया जाता है, क्विक प्रोफाइल भी बना सकते हो और क्रिएट प्रोफाइल भी कर सकते हो। सो क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रोफाइल का नेम, यानी कि अगर मैं अपनी फेसबुक अकाउंट चलाने के लिए या फिर मेरा एडसेंस वन कह लो, ठीक है, सो अगर मैं एडसेंस का अकाउंट चलाने के लिए चाहता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि ये मेरा जी सेकंड एडसेंस अकाउंट है, ठीक है, और प्रॉक्सी जो है इसकी वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये प्रॉक्सी फीचर क्या है, बेसिकली यही वो चीज़ है जो मैंने आपको बोला था कि आप अपने डिवाइस पे बैठे बैठे, आप अपने घर बैठे बैठे आप अमेरिका की भी लोकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं की भी लोकेशन शो करवा सकते हैं अपनी। सो ये कैसे करते हैं, यहाँ पर सेट अ न्यू प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करूँगा, और माई प्रॉक्सीज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हाइव प्रॉक्सी का मिल रहा है और AW प्रॉक्सी का मिल रहा है। सो प्रॉक्सी में HTTP, SSH और SOX5 को ये सपोर्ट करेगा। आप अपनी प्रॉक्सी अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म से ली है आप उसे भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इनकी हाइव प्रॉक्सी और AW प्रॉक्सी इनको भी ख़रीद सकते हो। हाइव प्रॉक्सी जो है ये रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ हैं, ये बहुत ही कमाल प्रॉक्सी हैं इनके पास, जो यहाँ से ही हम बाय करके यहीं पे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह से AW प्रॉक्सी भी है, ये भी रेजिडेंशियल है, लेकिन ये थोड़ी सी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है। और जो हाइव प्रॉक्सी है डैट इज़ फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़, फाइन। सो इधर से मैं बाहर आ जाता हूँ, अभी के लिए नो प्रॉक्सी रहने देता हूँ। और टैग्स वगैरह आप लगा सकते हो, पेजेस बुक मार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल ब्राउज़र्स में हमें चीज़ें देखने को नहीं मिल रही होती। और स्टोरेज सेटिंग्स वगैरह के क्या क्या चीज़ स्टोर करनी है, क्या क्या नहीं करनी, यानी कि ऑब्वियसली हमें गूगल क्रोम की प्रोफाइल मिल जाती है, ये वही है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रोफाइल बेसिकली हमारी किसी दूसरे कंट्री के साथ लिंक होती है, किसी दूसरे डिवाइस के साथ लिंक होती है, फाइन। सो अब मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के ऑप्शन में आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ कम देखने में मिलती है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आ रहा है, मैक ओएस आ रहा है, मैक ओएस ARM आ रहा है, ठीक है। आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपके सामने, यानी कि मैं मैक सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने क्रोम आएगा, लेकिन वो ऐसे आ रहा होगा जैसे वो किसी मैकबुक में खुला है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन उसका मैं सेट कर सकता हूँ। और इसी तरह से स्क्रीन रेजोल्यूशन, ठीक है, कितनी रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन के ऊपर मेरा ये ओपन है, तो ये 5 यानी कि 4K से भी ऊपर 8K पे भी जा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इसके अलावा फॉन्ट्स सेट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, और जियो लोकेशन जो है वो कर सकते हैं सेट। और इसके अलावा हार्डवेयर की मज़ीद सेटिंग्स भी हैं कि जिस PC के ऊपर हमने शो करवाना है हमारा क्रोम खुला हुआ है, उसकी कोर्स कितनी है, उसकी रैम कितनी है, उसकी यानी कि रेंडरर, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है, ठीक है। हम ग्राफिक कार्ड को भी ऐसे सेट कर सकते हैं, और ये हमें RTX 4090 तक शो करवा रहा है सारे के सारे ग्राफिक कार्ड्स, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम PC बना सकते हो यहाँ पे, और उसके अंदर क्रोम चला सकते हो, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी किसी और ब्राउज़र ने प्रोवाइड नहीं की अभी तक, जितनों का मैंने रिव्यू किया है। और उसके बाद कुकीज़ हैं, आप ऑलरेडी मेड कुकीज़ को लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। सिक्योरिटी है जी, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ये फ़ीचर भी नहीं देखने को मिलता हमें बाकी ब्राउज़र्स में, ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से। आप पासवर्ड सेट कर सकते हो आपकी उस प्रोफाइल को, आपके अलावा कोई नहीं खोलेगा, यानी कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है, इनका जो लाइक इस पे भी आते हैं, इस बात पे भी आते हैं टीम वर्क वाली बात पे भी, तो यह कि आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेते हो, ठीक है। सो एक्सटेंशंस भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ऑलरेडी एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। सो आप ऐसे क्रिएट एक प्रोफाइल कर सकते हो, और उस प्रोफाइल के अंदर आप उसको यहाँ से प्ले कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, फाइन। सो ये AdSense 1 के नेम से मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पर आ चुकी है, प्रॉक्सी जो है वो डायरेक्ट आ रही है कि यहाँ पे जो है यानी कि ये डायरेक्टली ओपन होगा, फाइन। सो अब मैंने आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो टीम वर्क है उसकी बात भी कर लेते हैं। लाइक टीम वर्क में आप यहाँ पे टीम पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मेरा फर्स्ट यूज़र है, और इसके अलावा मैं और भी लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ। और जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन था वो इसलिए है यहाँ पे क्योंकि अगर मैं अपना AdSense 1 नहीं चाहता कि मेरी टीम का कोई और मेंबर खोले, या फिर मैंने अपना फेसबुक या फिर मैंने अपना कोई दूसरा TikTok अकाउंट को खोला हुआ है यहाँ पे, सो अगर मैं नहीं चाहता कि कोई इसको खोले यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं उस पर पासवर्ड लगा दूंगा और वो पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता होगा और मेरी टीम में से कोई भी और बंदा उसको नहीं खोल पाएगा, फाइन। सो इसके अलावा एक और बहुत कमाल का फीचर है जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसको मैं अभी ओपन करता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इसके ऊपर मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया है, सो अभी कुछ कंपोनेंट्स आपके भी फर्स्ट टाइम पे ये डाउनलोड होंगे, ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो मैं google.com ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ कॉपी की हुई है, ठीक है। सो उसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि बिल्कुल रोबोट की तरह पेस्ट हो और अचानक से पेस्ट हो जाए, और यानी कि गूगल को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसको लगे कि यार ये जो है लाइक कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और टाइप टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ऐसे पेस्ट हो रहा है जैसे ये टाइपिंग हो रही हो। सो दिस इज़ क्रेज़ी, फाइन। सो ये फीचर बहुत ही कमाल का फीचर है, और आप लोग लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करना लाजमी।
सो गाइज इनकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए काफ़ी सारे इनके प्लान हैं जो कि आप लोग भी अवेल कर सकते हो। सो स्टार्टर प्लान है डेट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम €21, ठीक है, और बेस प्लान इनका €56 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अलावा टीम वाला €119 का और एडवांस्ड वाला €231 का। फाइन, सो इनकी जो प्रॉक्सी शॉप है ये इनका न्यू फीचर आ रहा है, ठीक है, ये भी लॉन्च हो रहा है, और इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग डिस्काउंट्स और फ्री प्रॉक्सीज भी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। सो लाजमी ऑक्टो ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए और प्रॉक्सीज जो है वो फ्री में भी इंशाल्लाह ताला मेरी वैसे से बात हुई है सो ये देंगे, ठीक है। सो इसके बाद आप मज़ीद जो है इनकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, और जितनी भी बातें चाहते हैं आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है, लोगों से कम्युनिटी के बारे में पूछ सकते हो। और इनका जो लाइक रेफरल प्रोग्राम है यानी कि एफिलिएट प्रोग्राम आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ये रेफरल प्रोग्राम जो है इसको अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा 15% आपको देते हैं, ठीक है। सो अपना जो रेफरल लिंक है आप उस रेफरल लिंक को कॉपी करें और किसी को भी जो इंटरेस्टेड है उसको बाय करना चाहता है उसको आप ये भेजें तो आपको वो जितना भी प्लान बाय करेगा उसका 15% आपको मिलेगा, फाइन। और इसके अलावा ट्रस्ट पायलट वगैरह पे इनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है, सो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो क्योंकि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है सबसे ज़्यादा वो मैटर करती है, ठीक है। काम तो हर कंपनी ही करके दे रही होती है लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी जो बात करे उसको पूरी करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से जितने भी ब्राउज़र्स का हमने रिव्यू किया है इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और न्यू फीचर्स हैं, और इसके अलावा ऑटोमेशन और जितनी ऐसी चीज़ें हैं इनको भी ये सपोर्ट करता है। गाइस अगर आप भी ऑक्टो ब्राउज़र को बाय करना चाहते हो तो लाजमी प्रोमो कोड समीद को यूज़ करें क्योंकि उस प्रोमो कोड को लगाने के बाद आपको मिलेगा एक्साइटिंग डिस्काउंट। और इसके अलावा ये कंपनी जो है वो मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं 2 दिसंबर से पहले पहले आने वाले जितने भी इनके न्यू यूज़र्स हैं उनको फ्री में प्रॉक्सी दी जाएगी अप टू 5 GB जो कि वैसे तकरीबन 10 euros की बनती है, तो 5 GB प्रॉक्सी अवेल करने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।